यूं तो इस धरती पे सभी जीवों को अपनी प्रजाति बढ़ाने के लिए एक नर और एक मादा की आवश्यकता होती है, पर इस धरती पर कुछ जीव ऐसे भी हैं जिन्हें इस चीज की आवश्यकता नहीं। जी हाँ दोस्तों, आज हम एक ऐसे मछली के बारे में बात कर रहे हैं जिसे एशियन शिपसेट वेसे के नाम से जाना जाता है और जापान में इसे कोबुदाई के नाम से जाना जाता है। यह एक उभयलिंग प्रजाति से है, जिसका अर्थ है कि इनमें नर और मादा दोनों के अंग होते हैं जो इसे अपना लिंग बदलने की अनुमति देते हैं। सभी शिपसेट मादा पैदा होते हैं और जैसे जैसे वे बड़े होते हैं अंततः अपना लिंग बदल लेते हैं। इस मछली की कुल लंबाई 39 इंच तक हो सकती है और इस प्रजाति के लिए सबसे ज्यादा वजन 14.7 किलोग्राम तक दर्ज है।